नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शरण शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है आयुर मानव आयुर्वेदा, और हम आपके स्वास्थ्य के लिए बेटर से बेटर करने के प्रयास करते हैं, जिसके साथ हम एक ऐसी कड़ी लेकर आए हैं जिसमें हम योग से संबंधित चीजों को ढूंढेंगे और उनके प्रयोग करेंगे। आज का टॉपिक है जो है प्राणायाम से रिलेटेड है। प्राणायाम एक ऐसी चीज है जिसमें प्राण और प्लस आयाम से, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। प्राण का अर्थ होता है हमारी ऑक्सीजन, हमारी नेचुरल ऑक्सीजन जिसको हम लेते हैं, और इसकी वजह से हमारी प्राण यानी हमारा जीवन सुरक्षित है। कोविड के समय पर इससे कई लोगों ने जूझा है, और प्राणायाम का महत्व, प्राणायाम के ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च भी उसी समय पर हमें मिली, इसलिए प्राणायाम को समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। देखिए, एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। जिन लोगों की एक मिनट में सांस लेने की गति धीमी होती है, फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति, यदि एक जीव जो है इस पृथ्वी पर वो एक मिनट में 2 से 3 बार सांस लेता है, उस व्यक्ति की जिंदगी, उस व्यक्ति का लाइफ टाइम, जो व्यक्ति एक मिनट में 40 से 50 बार सांस लेता है उससे ज़्यादा होता है, जैसे कि कछुआ है। और जो व्यक्ति सांस ज़्यादा लेते हैं ऐसे, इस प्रकार से उनकी सांस चलती है, तो ये डेफिनेटली सत्य है कि उनका समय नज़दीक आने वाला है, इस दुनिया को छोड़ के जाने वाले हैं। इसलिए आपको अपनी लाइफ को लंबा करना है, साथ में अपनी एजिंग प्रक्रिया को रोकना है, अच्छे तरीके से हेल्दी रहना है, तो आप प्राणायाम के स्टेप्स को फॉलो करके, प्राणायाम करके अपने स्वास्थ्य को परिपूर्ण कर सकते हैं। तो मैं सिंपल सा बताता हूँ प्राणायाम कैसे करते हैं। आपको डीप ब्रीथ लेनी है ऐसे, इसको होल्ड करके रखेंगे, जितना समय आपको सांस लेने में लगा उसके दुगने या 3 गुने, मैं तो ये कहता हूँ 4 गुने समय तक आप उस सांस को रोके रहेंगे, और जब सांस छोड़ेंगे तो जितना समय आपको सांस लेने में लगा था उसके दुगने टाइम में सांस छोड़ेंगे। जैसे 1 2 3 4, आप स्टार्टिंग में जब प्रैक्टिस इसको कर रहे हो तो आप 1 से 2 मिनट का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे जैसे अभ्यास के आप अभ्यसित होने लगे, धीमे धीमे से अभ्यास में आप पारंगत होने लगे, तो समय या ड्यूरेशन को आप बढ़ा सकते हैं। डेफिनेटली इससे हमारे बॉडी के कई ऑर्गन्स रेजुबिनेट होते हैं, हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स एलिमिनेट होते हैं, ये साइंटिफिक रिसर्च है। आप गूगल पर करके कई रिसर्च पेपर को पढ़ सकते हैं, आयुर्वेद के कई सिद्धांतों को अपना कर आप अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं, कई रोगों से दूर कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ मैं डॉक्टर शरण शर्मा आपसे एक वादा चाहता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो और लोगों के जीवन में स्वास्थ्य को ला सके। धन्यवाद।